नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास यूकेजी में हिंदी। हिंदी में हमने इससे पहले मात्राएं पढ़ ली और अच्छे से समझ भी ली। अब हम उसको एक बार और रिपीट करेंगे। इसके बाद हम बारह खड़ी पढ़ेंगे। देखते हैं हम मात्राएं। छोटा का कुछ नहीं, बड़ा का डंडा, छोटी की आगे से, बड़ी की पीछे से, छोटा की नीचे से, बड़े की ऊपर से। एक की एक मात्रा, है की दो मात्रा, ओ की एक डंडा एक मात्रा, आओ की एक डंडा, हम की एक बिंदी, आहा की दो बिंदी। आया बच्चों समझ में? अब हम इसके इन्हीं की सहायता से बारह खड़ी पढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बारह खड़ी। बारह खड़ी में व्यंजनों में मात्रा को आ से आ तक की मात्रा लगाकर बारह खड़ी बनाई जाती है। हम शुरू करते हैं। क बच्चों, क छोटे आ की कुछ नहीं होता, तो हमने क में कोई मात्रा नहीं लगाई। अब हम इसमें लगाएंगे बड़े आ का डंडा। क में बड़े आ का डंडा लगाया तो क्या बन गया ये? घा में ए की मात्रा घे, घा में ए की मात्रा
मात्रा घ, घा में ओ की मात्रा घो, घा में आओ की मात्रा घ, घा में घम की बिंदी घम, घा में आ की दो बिंदी घा। आया बच्चों समझ में? अब हम इसमें एक बार और पढ़ेंगे। क का, की, कु कू, के कई, को काऊ, हम कहा। अब खा की पढ़ेंगे। ख खा, खी खी, कु कू, खे खई, खो खाऊ, खा कहा। खा की पढ़ेंगे। ग गा, गी घी, आप अपने घर पर इसी तरीके से पढ़िए और याद करना। थैंक यू।